देखिए पटेल अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? जिस बात का डर था आखिरकार हुआ वही। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में पहला विकेट तो यहां पर गिरता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता ये कहते आ रहे थे कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन जब तक आएगा तब तक इंडिया गठबंधन ये बिखरता हुआ आपको नजर आएगा, और उसकी एक कड़ी मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच में दरार पड़ गई है। दरार इस कारण पड़ी है क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश में, लेकिन उनसे कहा गया कि यहाँ पर ये विधानसभा चुनाव है और जो इंडिया गठबंधन बना है वो राष्ट्रीय स्तर के यानी कि लोकसभा चुनावों के लिए बनाया गया है, ना कि क्षेत्र स्तर के और विधानसभा चुनाव के लिए। तो पहला विकेट यहां पर इंडिया का गठबंधन का यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस समय बिहार में महाजुटान की बैठक हुई थी उस समय तमाम पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे थे और विस्तृत चर्चा की गई थी, इसकी नींव रखी थी नीतीश कुमार ने, जो आजकल वो भी थोड़ा सा दूसरे मिजाज से दिख रहे हैं और वो अभी हम बीजेपी को अपना दोस्त भी यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के तमाम नेताओं खासकर गृहमंत्री अमित शाह ने जो कि कहा था कि ये गठबंधन ये सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं, मौका परस्तों का एक गठबंधन है, बाकी इसके कुछ राजनीतिक इससे हल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जो बात सीट शेयरिंग की आ रही थी जहां पर ये लग रहा था कि आखिरकार ये गठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग कैसे करेगा, कैसे इसका सिंबल तय होगा, कैसे चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में जहां पर टीएमसी की सरकार है, वहां पर क्या कांग्रेस को सीटें मिलेंगी या फिर वहां पर किस तरह से इलेक्शन होंगे, ये एक बहुत बड़ा मैटर था सीट शेयरिंग को लेकर। इनकी जितनी भी मीटिंग हुई सब में ये कहा गया कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने साफ शब्दों पर कहा कि मध्य प्रदेश में कोई साइकिल को नहीं पहचानता, सभी लोग जो है वो यहाँ पर हाथ के पंजे को पहचानते हैं और मध्य प्रदेश में जो है दो की लड़ाई है वो है बीजेपी और कांग्रेस की, तो समाजवादी पार्टी को हमें साथ देना चाहिए और हम इसका लाभ उनको लोकसभा चुनाव पे मिलेगा। ये बात जो है अखिलेश यादव को नागवार गुजरी है। उन्होंने कहा था हमको पहले नहीं बताया गया ये जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर के लिए हो रहा है और विधानसभा चुनाव में इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसके बाद से ही अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में यहां पर एक जुबानी जंग छिड़ी हुई है और अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव में इसका बदला मैं लूंगा, यानी कि अभी से ये एक रार यहां पर तकरार पैदा हो गई जिस बात की आशंका थी। और आपको बता दें कि जिस समय इंडिया गठबंधन बना उसके बाद में इस समय जो पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं खास तौर से अगर देखा जाए हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़, इन चुनावों में सबसे बड़ा इफेक्ट था कि या इस चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन साथ होकर लड़ती है तो ये एक उनके लिए सेमीफाइनल मुकाबला होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबला 2024 को है। उसको पहले लेकर इन सभी पार्टियों को मिलकर जो है सीट शेयरिंग पर चर्चा करनी थी, सीट बंटवारे पर बात होनी थी, और लेकिन सीट बंटवारे पर बात होने से पहले जब विधानसभा चुनाव की बात आती है वहां पर सीधे साफ शब्दों में जो अखिलेश यादव ने यहां पर कहा है कि अब हम जो है लोकसभा में बताएंगे कि ये इसका जवाब कैसे होता, हम इसका जवाब देंगे, यानी कि जब लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का नंबर आएगा तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पे समाजवादी पार्टी अपना सीट यहां पर मांग सकती है। इससे फिर एक बार ये कलह जो है इनकी साम खुद के सामने आ चुकी है। जबकि अजय राय ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि आपका मध्य प्रदेश में सिर्फ एक समाजवादी पार्टी से विधायक जीता था, वो भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इसलिए आपका वहां पर कोई खास जो है जनाधार नहीं है, इसलिए आप जो है हमको समर्थन कीजिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, उन्होंने कहा था घोसी जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में उसमें हमने कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया इसलिए आपको जीत मिली थी और उसी तरह आपको भी हमको यहाँ पर समर्थन करना चाहिए। घोसी का उपचुनाव एक बड़ा चुनाव का मुद्दा बन गया था, राष्ट्रीय स्तर की बहस उसमें हो गई, उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कैसे मिल के चुनाव लड़ रहा था, उसने बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट यहाँ पर उतरा, उसने चुनाव लड़ा, वहाँ पर
बहुजन समाज पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी वहां पे उतारा था। हालांकि घोसी उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी के पाले पे गई थी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा दोष था बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर भी जाता था, जो बार बार सपा भाजपा और बसपा की दारा सिंह का नाम आता, जो कि बार बार पार्टी बदलने में माहिर थे और लोकप्रियता उनकी बिल्कुल घटती चली गई थी। लोगों ने उनको मौका परस राजनीतिज्ञ तक करार दिया था, इलाके में घुसने में भी गुस्सा जाहिर किया था कि ये इनको जो है हमने बार बार मौका दिया। यूपी सरकार ने जब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तब भी उनको जो है मंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद छोड़ के सपा ज्वाइन की, सपा से जीते, उसके बाद में फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते। इस तरह वो हमेशा मौका परस की एक राजनीति यहाँ पर करते रहे, जिसका खामियाजा उनको वहाँ पर भुगतना पड़ा। लेकिन अब एक मामला तय है कि इंडिया गठबंधन में जो दरार पड़ी है, अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में जिस तरह कहा है, उससे अब जो है इस गठबंधन की और भी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये तो केवल दो पार्टियों की बात है, लेकिन जब पूरे देश भर की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में इन सीट शेयरिंग होगी तब कांग्रेस के पाले में कितनी जाएंगी, टीएमसी के पाले में कितनी जाएंगी, समाजवादी पार्टी के पाले में कितनी जाएंगी, एनसीपी के पाले में कितनी जाएंगी, या शिवसेना उद्धव ठाकरे के पाले में कितनी जाएंगी। तो ये जब सारी पार्टियां अपनी अपनी सीट शेयरिंग बनाएंगी उस वक्त एक बड़ा मौका होगा, ये बड़ा एक देखने वाली बात होगी कि वो बातचीत कहाँ तक सार्थक हो पाती है। नहीं तो फिर जो है जो बीजेपी नेताओं की भविष्यवाणी है वही सच होगी कि ये जो दल था ये सिर्फ कुछ दिनों का दल बना हुआ है और मौका परस्तों का एक दल बना हुआ है और ये जो है 2024 तक टिक नहीं पाएगा। फिलहाल एमपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह अखिलेश यादव और कांग्रेस के वक्त के बीच में हमने ये देखने को मिला, इससे ये तय हो गया कि आगे की राह इंडिया की बेहद मुश्किल भरी होने जा रही है।